बस कर चुकी हो, 140, 141, 142, 143। यहाँ पर ना डोमिनार में हमने क्या लगाया है, जो इंडिकेटर्स होते हैं, ब्लिंकर्स होते हैं हजार्ड वाले, ये डिफरेंट थोड़े स्टाइल करवा लिए हमने। लास्ट टाइम क्या था, जो नॉर्मल थे इसमें क्या हजार्ड लाइट में ऐसा हंटर की तरह नहीं है कि कंटिन्यूसली ब्लिंक करते हैं, तो वो चीज़ डोमिनार में करवा लिया है और सिर्फ 350 रुपीज़ में। यहाँ स्विच भी लग चुके हैं और ये पूरा कंसोल जो है आगे, कंसोल खोल करके भैया ने इसमें सेट करा है और पूरा सेट कर दिया अंदर। तो मतलब बहुत इजी प्रोसेस, इजी नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत इजी गोइंग में कर दिया और ये हो गया। अब हमारे पास ये बेनिफिट, क्योंकि हम लोग ऐसे नाइट में राइड में जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि हाँ इसको जलाना चाहिए, और इसमें इवन LED इंडिकेटर्स है, तो LED की ऐसे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो पूरा इसको कर दिया है, मार्केट में रेट ट्राई करे थे इसके तो थोड़ा 400-500 ऐसे करके उसका, तो इन भैया ने 350 में लगा दिया हमको विद स्विच और विद एवरीथिंग। तो ये कॉस्ट में भी ठीक लगा और अब रात में इसका मज़ा भी देखें कि रात में किस तरीके से जलता है ये। काफ़ी टाइम से सोचा था कि आएंगे, लेकिन एक नुकसान हो गया मेरा कि ग्लव्स मुझे चेंज करने थे, तो ग्लव्स मेरा XXL साइज़ कहीं मिला ही नहीं और मुझे अब ग्लव्स ले नहीं पा रहा मैं, और जो XXL साइज़ दे रहे हैं वो थोड़ा कॉस्टली दे रहे हैं। अब ये डिज़ाइन चल रही है ना डिफरेंट टाइप की, इसमें क्या एक जितना मुझे याद है एक मॉड्यूल बोलते हैं इसमें हेजार्ड का, तो मॉड्यूल में क्या होता है कुछ प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो LEDs जो होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं ऑन ऑफ करने के साथ ही। तो उसके यहाँ पर इंडिकेशन कंटिन्यूसली शो रहा है और चारों इंडिकेटर ही कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, इस बाइक ने माइलेज जो दिया है अभी 40 किलोमीटर पर लीटर का दिया है, पुनीत ने मुझे बताया, मैंने तो नहीं निकाला ऐसा करके, तो जो माइलेज मिला है वो 40 किलोमीटर पर लीटर मिला है, जो कि काफ़ी एक अच्छा माइलेज है मैं समझता हूँ। और अगर यहाँ पर भी किसी को ये काम, उसके अलावा अगर यहाँ पर किसी को काम कराना हो बालूगंज में, आ सकते हैं बाइक के एक्सेसरीज लेने के लिए या कोई भी चीज़ सही हो, तो काफ़ी सही प्राइस में आपको हो जाएगा मार्केट से, मतलब पूरे आगरा में आप कहीं भी भटकेंगे ऐसा उससे सबसे सही आपको बालूगंज में काम हो जाएगा। यहाँ ये भी बाइक खुली पड़ी है, इसका भी कुछ हो रहा है, ये भैया इसका कर रहे हैं जो भी इतने भी बोल्ट्स हैं इसमें ना, ये एक चीज़ लगी भैया, जैसे ये फ्यूल टैंक है ऐसा ही रहता है क्या, इसका निकला ही रहता है, तो ये ना थोड़ा सा वो लग रहा है, हाँ ये लग रहा है कि ऐसे थोड़ा निकला रखा हुआ है, हाँ पहले नहीं था ये, तो अभी लग रहा है ऐसा। एक बार डिब्बी देंगे आप मेरे को, तो ये मॉक्सी का है जो डलवाया बाइक में, हैवी ड्यूटी पता नहीं क्या है, MRP और SS तो कुछ लिखा नहीं है इस पर, और ना ही कोई गारंटी वारंटी बता रहे थे। एक और एक ATM वाला, उसमें 6 मंथ्स की गारंटी मिल रही है, बट वो 200 रुपये ज़्यादा था इससे, तो हमने कहा फिर यही डलवा लेते हैं, और कोई डिफरेंस भी खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 19-20 का डिफरेंस है। तो बोलता है कि यार खरीद लेते हम लोग यहाँ से और शोरूम से ही खुलवा दे, क्योंकि बाइक खुली है ना आगे से, इसका फ्रंट हेड मतलब हेडलाइट वाला हेड, नॉट इंजन वाला, तो उसी की वजह से लग रहा था कि यार बाहर से कर शोरूम से ही कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सही तरीके से भैया ने 10 मिनट के अंदर पूरा कवर कर दिया।
इंडिकेटर रेडी हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीस के। कितने सस्ते में काम हो गया। सही तो है। सो गाइस इसी तरह से हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से जुगाड़ वाले काम करवाने के लिए, कम पैसों में काम करवाने के लिए, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और मोटो ब्लॉग्स और ये सब रिव्यूज़, मोटो ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें आती रहेंगी चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।